तो ये इंसान क्या करता है, एहसान करके, एहसान जतलाकर, देकर, उसको बताकर, उसको जतलाकर इतनी बड़ी नेकी से ख़ुद को महरूम कर लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को यही बात तो कही, यही कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुब्तिलु सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात व खैरात को एहसान जतलाकर, बताकर, उसको याद दिलाकर और उसको तकलीफ़ पहुँचा कर या ऐसी बात बोलकर या ऐसा रवैया देने के बाद अपनाओ उसके साथ कि उसको तकलीफ़ हो जाए। तो कहा कि ये सब कुछ करके तुम अपने सदक़ात व खैरात को बर्बाद और ज़ाय ना करो। इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाहि अलैह बिलमन यानी एहसान किसको कहते हैं, इसकी तफसीर में वो लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमत से किसी को फ़ायदा पहुँचा कर उसको यानी जतलाना या धमकी भरे लहजे में उसको बयान करना, कहते हैं कि ये एहसान है और इसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे के नेकी को बर्बाद कर देता है। वो जो एहसान है ना, जिस एहसान के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नेकी का जो वादा किया था, अल्लाह ताला उसको उससे महरूम कर देता है। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।